आपका दोस्त नवाब अहमद। अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हत्या की घटना पत्र में तो यूज्ड तीन चाकू। मामला दर्ज किया गया था, उसमें बाद में अनुसंधान के क्रम में मामला प्रकाश में आया कि माँ के द्वारा ही अपने पुत्र की निर्मम हत्या कराई गई थी। अपने दोस्त के से मिलकर के दोस्त के साथ मिलकर के हत्या कराई गई थी। कुछ उनका आपसी रिश्ता रहा था, उसी के कारण यह हत्या। तो बच्चे कब आपने हत्या कराई थी, क्या उसने देखा था या कुछ आपसी मैटर था उसमें? इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? हत्या में संलिप्त दोनों लोग गिरफ्तार हैं। दिनांक 28/5 की रात्रि में बिट्टू कुमार के अपहरण के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था नगर थाने में। 289/20 तारीख को 29 को शाम में बिट्टू कुमार का डेड बॉडी मिला था। चाकू से गोदा हुआ, गोद कर हत्या किया हुआ बॉडी मिला था। उसके बाद इस हत्या के सिलसिले में एक विशेष टीम सदर अधिकारी सदर के नेतृत्व में परीक्षवान पुलिस उपाधीक्षक दीपक प्रशांत इंस्पेक्टर टाउन मुनिलाल इंस्पेक्टर टाउन थाना के एवं अन्य जवानों के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा त्वरित कार्रवाई हैं। बिट्टू कुमार हैं, राजू कुमार हैं, ये लोग मुकेरी टोला के ही हैं, पूर्व से परिचित और दोस्त भी थे। ये लोग 26 को ही हत्या के घटना का प्लान किए। उसके बाद 27 तारीख को थावे से ये लोग तीन चाकू 700 रुपये में खरीदे। उसके बाद अपने दोस्त को बुला करके फ़ोन से मोबाइल से बुला करके उनसे 20,000 रुपये भी छीन लिए। साथ ही तीनों लोग मिल करके कुछ नए जो खरीदा हुआ चाकू था उससे चाकू गोद करके नृशंस हत्या किया और उसके बाद ये लोग निकल गए। सर, हत्या क्या कारण हो सकता है? हत्या का कारण रुपया लेना, 20,000 रुपया लेना था कि इसको बुला करके इससे 20,000 रुपया छीने, और चूंकि ये सारे दोस्त थे अंदेशा था कि पता लग जाएगा, इसी में इसकी हत्या कर दी। किस तरह का पैसा था 20,000 रुपया? बस ऐसे ही उसको मंगवाए थे, 20,000 रुपया लेकर के किसी प्लान के तहत आया था, उसके पास से मृतक के पास था और उससे वो 20,000 रुपये छीन लिए और छीन करके उसकी हत्या कर दी। तो कोई आपराधिक इसमें ऐतिहासिक इतिहास है क्या इसका? बिल्कुल सर, इसकी भी छानबीन की जा रही है आपराधिक इतिहास की, इनका पूर्व का क्या आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन ये सभी लोग आपस में दोस्त थे और इस घटना में पूरे पुलिस टीम का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है, सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इतना त्वरित अनुसंधान एवं पूरे कांड का उद्भेदन एक अच्छा प्रयास है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।